नमस्कार दोस्तों, हरिद्वार से आप सभी को सुप्रभात। और हम जा रहे हैं पौड़ी और यहाँ रुके थे हरिद्वार ये स्वामी सर्वानंद घाट पर। हर की पौड़ी उस तरफ पीछे रहेगी तो मैं वहाँ गया नहीं क्योंकि सीधा हाईवे से आ गया, क्योंकि वहाँ अंदर पार्किंग का एक कट था वो मिस हो गया तो मैं सीधा निकल के आ गया। और यहाँ पीछे कलकल का बहती हुई हमारी माँ गंगा, और आपको आगे लेके चलेंगे पौड़ी। तो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, अभी आपको माँ गंगा के दर्शन कराता हूँ। एक बार ऊपर देखिए कितना मस्त बना दिया है, अच्छा मज़ेदार। ये देखो एक बार ऊपर, मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी ऐसा बन जाएगा। मैं काफ़ी दिनों बाद इस घाट पर आया हूँ तो अभी एक बार मैं आपको चारों तरफ के दर्शन कराता हूँ माँ गंगा के, और फिर थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करूँगा और फिर आगे निकलूँगा। चलिए दोस्तों आइए नीचे चलते हैं, माँ गंगा के दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा ही मतलब ऐसा घाट बना दिया कि मन करता कि यहीं रह जाएं, अच्छा लगता है। जब पिछली बार आया था तब तो सब डावाडोल था, हालांकि ये उस वक्त भी इतना ख़राब नहीं था, लेकिन ये घाट ऑन रोड है। उस तरफ आप देखोगे वो मेन हाईवे है हरिद्वार से ऋषिकेश, वो पीछे रुड़की से आने वाला दिल्ली की तरफ से, तो ये बिल्कुल पास में ही है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर यही करता हूँ कि मैं ऑन रोड ही रुकूँ, ऐसा नहीं कि मैं हर की पैड़ी नहीं जाना चाहता, बट वहाँ थोड़ा अंदर की तरफ हो जाता है तो वहाँ टाइम ज़्यादा लग जाता है और हमें आगे जाना है पौड़ी की तरफ। और अभी अंधेरा भी है, अभी सुबह का 5 बजे का टाइम है, फिर आपको आगे लेके चलेंगे। अभी देखो अंदर की तरफ चलते थोड़ा सा घाट की तरफ, अभी अंधेरा है ना, अगर सुबह होती दिन होता तो अच्छा दिखता, लेकिन हाँ वो दूर उस तरफ जहाँ लाइटिंग दिख रही है वह हर की पैड़ी की तरफ रास्ता जा रहा है। और यहाँ से अगर दिखाता हूँ नीचे घाट से कैसा लग रहा है, ये देखो, अरे वाह भाई मज़ा आ गया, इतनी उम्मीद नहीं की थी मैंने। यह है स्वामी सर्वानंद घाट, ओम सतनाम साक्षी, जय सियाराम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम भाई। चलो थोड़ी देर सो जाते हैं अपनी गाड़ी में, नींद तो आ नहीं रही, वो तो गाड़ी में पड़ के पैपस हो गया। दिखाता हूँ यहाँ पर गाड़ी, फिर यहीं पास में चाय पीते हैं और अब क्या करें, निकलेंगे। सोना सोचा था कि सो जाऊंगा थोड़ी देर, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, लेकिन नींद आ ही नहीं रही। अब एकदम से गायब हो गई, तब आए थे तब तो ऐसा लगा था कि मैं बिल्कुल पढ़ के सो जाऊं। दिखाऊं गाड़ी में यो कंगू राइडर, ये देखो तू भी उठ गया, नींद कहाँ आ रही है, जब गाड़ी में आ रहे थे तो मैं तो सोचा था तू सो गया, लंबा हो गया। नहीं नहीं मैं तो इसलिए हूँ कि बाहर ठंड लग रही है और ये गाड़ी में देखो बाहर हल्की ठंड है, बाहर वहाँ आग बढ़ रही है। चल हाथ ताप लेंगे, थोड़ी चाय भी पी लेंगे, आग बढ़ रही है, हाँ आग बढ़ रख के चाय पी लेंगे। देख हमने पूरी पूरी गाड़ी को पूरा बेड बना दिया, जूते पहन गया, हाँ तू आ जा जूते पहन के आ जा, मैं वहाँ चलता हूँ चाय पीता हूँ, गाड़ी लोग भी कर देंगे। हाँ आ जा भाई जूते पहन के वहाँ पे ना, हाथ तापेंगे चाय पी लेंगे, आ जा उड़े चल लेंगे बरेन उस तरफ अपना आराम से वहाँ पे। वो सामने हालांकि इतनी ठंड नहीं है कि हाथ ताप पे, लेकिन है फिर भी थोड़ी ठंड, और अपना आराम से यहाँ पे चाय पी लेंगे। ये अपनी एक टपरी है माँ गंगा भोजनालय, आओ बाबा जी के साथ बैठ के चाय पीते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। ते अपना बैठते हैं बाबा जी के पास, थोड़ा सा हाथ तापेंगे यहीं पे और अपना चाय पियेंगे। बस अब दो चाय बना दो, एक तो फीकी एक बराबर मीठी, वो है कंगू राइडर किंग राइडर, वो बराबर मीठी लेगा, और हमारे लिए बनाओ आप फीकी चाय। हाँ हाँ कर दूंगा, तू आ जा थोड़ा बाबा जी के पास बैठेंगे।
चलो भाई हम तो बैठ के पापा जी के पास अपने धोने जमा के, पापा की चाय आ गई, अब हमारी भी चाय आएगी। मेरी फीकी है ना तो पहले मीठी बन रही थी पापा की, मेरी बाद में बनेगी, मेरी भी बन रही ना भाई, फिर मीठी बना दो भाई, मेरी बाद में बनेगी, थोड़े हाथ में आपने पापा जी बोलो, पापा जी सबको सब मतलब सब माँ गंगा की कृपा है। और बाइकिंग राइडर बढ़िया भाई, बढ़िया मजे ले रहा भाई, आ रहा हूँ बस, आग के मजे लेने पड़ेंगे, अब सेकनी पड़ेगी आग, बैठ के अपना अलग मजा है किनारे पे माँ गंगा के घाट पे। ओम शांति परम शांति, आजा भाई तू भी आजा, चाय आ गई अपनी और अपनी आ गई मट्ठी। आग के पास सुबह सुबह है ना मट्ठी करता है परम आनंद, ऐसी उम्मीद ना की थी सुबह आकर हम यहाँ बैठ जाए घाट पे, पापा के किनारे गंगा के किनारे चाय मट्ठी, चाय बहुत अच्छी भाई, बढ़िया चाय सुबह सुबह की चाय, बड़ी अच्छी चाय है। टाइम क्या हुआ शायद 5:30 हुआ है आपकी सुबह के, और अब आगे निकलने के साथ 6:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, जब रोशनी शुरू होगी सवेरा तब निकलेंगे यहाँ से, है भाई ठीक है, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। बाय बाय।